हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हमारा चैनल पेपर है कर। आज की जो वीडियो रहने वाली है VSC पार्ट फर्स्ट वालों के लिए, सेकंड पेपर दिया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट वीडियोज रोजाना आप लोगों के लिए हमारे चैनल के माध्यम से मिलती हैं, तो लगातार रोजाना वीडियो को देखा करें। सीरीज़ वाइज वीडियोज होती हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर की। आज की जो वीडियोज रहने वाली है वो बेंजिल क्लोराइड के ऊपर दिया गया लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, तो देखते हैं जो आपका बेंजिल क्लोराइड है ये क्या है, किस तरीके से फॉर्म होता है और इसके यूजेस क्या क्या होती हैं। ठीक है, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड के बनाने की विधि और गुण और उनके उपयोग। ठीक है, बेंजिल क्लोराइड, ठीक है, इस तरीके से आपका ये हम फॉर्म के रूप में इसको शो कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, बेंजिल क्लोराइड CH2Cl, ठीक है, इसको बेंजिल क्लोराइड के नाम से जाना जाएगा। देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियाँ। ठीक है, बेंजिल क्लोराइड को किस तरीके से बनाया जाता है, किन किन तरीके से इसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका, देखिएगा, रिएक्शन विद द टाइल्यूइन एंड द क्लोरीन। अब टाइल्यूइन और क्लोरीन के साथ में जब क्रिया कराई जाएगी तो आपका बेंजिल क्लोराइड बन करके तैयार होगा। देखते हैं, बेंजिल क्लोराइड प्रयोगशाला में उबलते टाइल्यूइन की क्लोरीन के साथ में क्रिया कराने पर बेंजिल क्लोराइड बनता है। ठीक है, एक तो प्रयोगशाला मेथड ये होता है कि जब बेंजिल क्लोराइड के वो उबलते हुए टाइल्यूइन की क्रिया के साथ में कराने पर बेंजिल क्लोराइड प्राप्त होता है। जैसे आपका ये बेंजिल क्लोराइड है C6H5Cl, ठीक है, Cl2, ठीक है, इसके साथ में क्लोरीन की क्रिया कराएंगे तो आपको बेंजिल क्लोराइड ये बन करके मिलेगा C6H5CH2Cl। ये आपका हुआ बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, इसको जानेंगे बेंजिल क्लोराइड के नाम से। ठीक है, अब दूसरा रिएक्शन किसके साथ में होता है, रिएक्शन ऑफ बेंजीन एल्कोहल विद PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में जब हम बेंजिल एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे तब भी हमें, ठीक है, आगे देखते हैं, इस C6H5CH2 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तब भी आपको एक रिएक्शन फॉर्म होगी C6H5CH2Cl। ठीक है, और PuCl3 और SCl3 इस ग्रुप से ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपकी ये दो फॉर्म में बन करके आपका तैयार होता है इसके। बेंजिल क्लोराइड्स जो होते हैं इनके फिजिकल गुण और केमिकल गुण दोनों ही की में असमानताएँ होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम, डिफरेंसिव होती, किसी भी कंपाउंड्स की सही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में दोनों में अंतर होगा। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इनके भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण इनके क्या क्या हैं, देखिएगा, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, यह रंगहीन भारी द्रव है। ठीक है, कोई कलर नहीं होता, भारी टाइप का होता है, जिसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 179 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल में अविलेय यानी नॉन सॉल्युबल है, लेकिन जितने भी कार्बनिक विलायक होते हैं सारे सभी में ये विलेय है, सब में घुल जाता है। अब इसके बाद में आता है केमिकल प्रॉपर्टी, जिसके रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। तो CH2Cl के कारण अभिक्रिया एरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, बेंजिल क्लोराइड अधिक क्रियाशील होते हैं जो शीघ्रता से न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ देते हैं। ठीक है, एक बार और देख लीजिए कि जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है इसमें सबसे ज़्यादा CH2Cl के कारण अभिक्रिया एरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, जबकि बेंजिल क्लोराइड की क्रिया अधिक क्रियाशील होते हैं जो शीघ्रता से न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ देते हैं। रिएक्शन के माध्यम से समझ लीजिएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ी बड़ी स्ट्रक्चर है आपकी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ समझते हैं, ठीक है, OH, ठीक है, ये आपका नेगेटिव चार्जेस के साथ में प्रेजेंस है तो ये आपका बेंजिल एल्कोहल बना करके देगा CH2OH+Cl, यानी ये आपका बन जाएगा, इस स्ट्रक्चर का नाम रखेंगे बेंजिल एल्कोहल।
ठीक है। अब यहाँ पे ओ आर है जो ये भी आपका नेगेटिव चार्ज जितने भी इसमें होंगे प्रेजेंस सेशन वो सभी कैसे होंगे नेगेटिव चार्ज से, तो ये आपका बनेगा सी एच ओ आर यानी बेंजिल एल्किल ईथर। ठीक है, इसका क्या नाम रखेंगे बेंजिल एल्किल ईथर। आप देखिए इसके बाद में होता है आपका सी एन यानी साइनाइड ग्रुप होता है, तो इसका नाम हो जाएगा सी एच टू सी एन यानी बेंजिल साइनेमाइड। यहाँ पे देखिए अमोनिया है आपका, अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये आपका बन करके तैयार होगा सी एच टू एन एच टू यानी बेंजिल एमीन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एस एच, ये आपका थायोल ग्रुप है। ठीक, यहाँ से देखते हैं एस एच है आपका, तो सी एच टू एस एच यानी इसको कहेंगे वेंजिल थायोल। ठीक है, ये आपका ईस्टर ग्रुप बन करके तैयार होता है सी एच टू ओ ओ आर। ठीक है, तो ये आपका वेंजिल ग्रुप बन करके तैयार हो जाएगा ओ ओ आर के साथ में, वेंजिल है वेंजिल यानी ये ईस्टर है आपका, बेंजिल के साथ इसने रिएक्शन कराया। अब रिएक्शन ड्यू टू सी एच टू सी एल ग्रुप। ठीक है, अब सी एच टू सी एल जितने भी ग्रुप्स होंगे उनकी रिएक्शंस में देखिए पता चलता है कि उत्पाद की प्रकृति जो है आप उत्पाद की प्रकृति आक्सी कारक की प्रकृति पर निर्भर करती है, यानी जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो रिएक्टेंट्स की जो नेचर होती है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो भी रिएक्शन पहले यानी बैलेंस होने से पहले जब भी फॉर्म किया जाता है तो उसमें क्या होते हैं रिएक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, और जो बनकर के तैयार होता है वो क्या होता है प्रोडक्ट, मान लीजिए ए और बी ये दोनों क्या हैं रिएक्टेंट्स हैं और इनसे बनने वाला कोई प्रोडक्ट होगा आपका ए बी। ठीक है, इसको कहेंगे प्रोडक्ट ए बी, और ए और बी ये दोनों क्या हैं रिएक्टेंट्स हैं, इनको रिएक्टेंट्स के नाम से जाना जाएगा, रिजेंट्स के नाम से जानते हैं, और इन्हीं को मिला करके क्या बनता है हमारा कोई प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सी एच टू सी एल। ठीक है, इसकी जब रिएक्ट कराएंगे हम देखिए यहाँ पे एच एन ओ थ्री के साथ में, तो ये बेंजोइक एसिड बन करके तैयार होगा सी ओ ओ सी सी ओ ओ ओ सी ओ ओ एच। ठीक है, ये बेंजोइक एसिड के नाम से इसको जानेंगे ओ सी ओ ओ एच बेंजोइक एसिड। ठीक है, दूसरा आपका कॉपर के साथ क्या कॉपर एन ओ थ्री यानी ये आपका वेंजिल बेंजल्डिहाइड बन करके तैयार होगा। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, इनके आप ग्रुप्स को रट लें, ग्रुप्स जो भी होते हैं जिसके साथ रिएक्शन करा जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एच एन ओ थ्री की प्रेजेंस है आपकी तो ये बेंजिल बेंजोइक एसिड बन जाएगा, सी यू की जहाँ पे उपस्थिति है एन ओ थ्री तो वो आपका बन जाएगा बेंजिल एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो इस तरह से आपको ये ग्रुप्स जो होते हैं इनको लर्न करना होता है, जितने आप ग्रुप याद कर लेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा आप रिएक्शन को फॉर्मेट कर पाएंगे। आगे होता है देखिए रिएक्शन विद ड्यू टू द बेंजीन न्यूक्लियस। ठीक है, यह सी एच टू सी एल ग्रुप के साथ में इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, यानी नाभिकीय इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ देगा। तो देखते हैं इस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखिएगा कि ये नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किस तरीके से फॉर्म करता है। नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए देखिएगा आपका सी एच टू सी एल प्लस। ठीक है, क्लोरीनेशन इसका कराएंगे तो यहाँ से देखिए हमें दो बेंजीन, एक मान लीजिए ये है आपका सी एच टू सी एल यानी क्लोरीनेशन कराएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सी एल टू ग्रुप के साथ में होगा, तो एक सी एल यहाँ और एक आपका सी एच टू सी एल के साथ में दो रिंग यहाँ पे, यानी नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ दोनों ही बेंजीन रिंग के साथ में जो होंगी वो नाभिकीय प्रतिस्थापन यानी न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। यहाँ पे एच टू एस ओ फोर सान सल्फ्यूरिक एसिड है आपका, तो यहाँ सी एच टू सी एल और एस ओ टू ओ एच। दूसरे अगर रिंग में देखेंगे तो सेम पोजीशन आपका सी एच टू सी एल और आपका एस ओ टू ओ एच, यानी इस तरह की जो रिएक्शन होंगी आपकी सांद सल्फ्यूरिक है दूसरा क्लोरीन के साथ में यानी उसका क्लोरीनेशन हो रहा है, ये सांद सल्फ्यूरिक एसिड है आपका एस ओ थ्री जिसमें से माइनस एच टू ओ यानी प्रेजेंसेशन के रूप में यहाँ पे बॉन्डित रहता है। यहाँ पे देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट है आपका आर एच, फ्रीडल क्राफ्ट देखेंगे
RXAL3, ठीक है। ये फ्रीडल क्राफ्ट माइनस HX जो है आपका सिंगल बॉन्ड्स के साथ में नेगेटिव बैलेंस CH2CL आर ग्रुप से, यानी एल्किल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, दूसरे बारे पे भी आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी जो दो सेकंड पोजीशन पे है, देखिए जहाँ पे SO2OH है तो सेकंड वाली पोजीशन में SO2, यानी ये आपके एक वर्टिकल पोजीशन में अरेंज होते हैं। आपके जो भी ग्रुप्स होंगे, क्रियात्मक ग्रुप होंगे, जिनकी प्रेजेंसेशन होगी, दोनों पर ही डिपेंड करता है ये। आगे देखते हैं जो हेलोजिनेशन होता है, हेलोजिनेशन किस तरीके से होगा, देखिए इसकी भी डेफिनेशन को देखते हैं। उच्च ताप पर प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराने पर श्रृंखला का हेलोजनीकरण हो जाता है। देखिए किस तरीके से श्रृंखला का हेलोजिनेशन होगा, CH2Cl, ठीक है। सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश है, क्लोरीन की उपस्थिति है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही आपकी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है CHCl2। यहाँ से भी सनलाइट की उपस्थिति होगी, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन की उपस्थिति में आपका CCl3, यानी ये आपका वेनजल्डिहाइड। अब देखिए इसके बाद में जो इसके यूजेस होते हैं, उपयोग होते हैं, बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड के औद्योगिक निर्माण में होता है, ठीक है। जब इसकी यूजेस जो होती हैं वो आपकी सबसे ज़्यादा किस में होगा, बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड का जो औद्योगिक निर्माण होता है इसमें सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने लायक है। नोट डाउन करिए, या फिर इसके जो भी नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पेपर हैकर के साथ में, हम फिर किसी नई वीडियो के साथ प्रेजेंट होते हैं।